आजकल की युवा पीढ़ी अपने प्यार को फिल्मी पर्दे के प्यार से जोड़कर देखते हैं। उन्हें ये लगता है कि फिल्मों में जिस तरीके से प्यार को दिखाया जाता है, जिस तरीके से दर्शाया जाता है, फिल्माया जाता है, वैसे ही इनके रियल लाइफ का प्यार होगा। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो फिल्मी पर्दे का प्यार है और आपका रियल लाइफ का प्यार है। दोनों में दिल्ली आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जब एक फिल्म तैयार किया जाता है, लव स्टोरी फिल्म, तो उसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। ऑडियंस को, दर्शकों को ध्यान में रखकर, इंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर उस स्क्रिप्ट को गढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तब जाकर आप सिनेमा घरों में बैठते हैं और प्यार यानी कि रोमांटिक सीनों को तालियां बजाते हैं और उस फिल्म में प्यार का अंत बड़ा ही खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है। अधिकांश तो बॉलीवुड फिल्मों में प्यार की जीत होती है। ऐसे दिखाया जाता है कि हीरो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो और बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्यार को दिखाया जाता है। लेकिन रियल जिंदगी में जो लोग उस प्यार को अपने प्यार से कनेक्ट करके देखते हैं, तो उन लोगों का भूल है, क्योंकि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है। और इन दोनों को फासला को दिखाता है 1995 की ऐसी लव स्टोरी, एक ऐसी वरदात जो पूरी देश की आंखें खुली की खुली छोड़ दी थी। आज मैं बताने वाला हूं दिल्ली की एक ऐसा हत्याकांड, एक ऐसा लव स्टोरी, एक ऐसा दो प्रेमी जुगल की कहानी, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद देश दुनिया की नजर उनके तरफ आकर्षित हो गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक लड़का रहता था जिसका नाम है सुशील शर्मा। सुशील शर्मा एक लड़की से बेहद प्रेम करता था जिसका नाम है नैना सहनी। नैना सहनी और सुशील शर्मा की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करके एक दूसरे से मिलजुल कर काफी खुश रहते थे। दोनों को लगता था कि हमारा चूज यानी कि हमारा किया गया प्यार काफी खूबसूरत है और हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनके घर वाले उनके इस प्यार को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो दोनों अपने घर वाले को मनाने लगते हैं और घर वाले बच्चे के सामने झुक जाते हैं और उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों अदर कास्ट से थे, दोनों का कास्ट मिलता जुलता नहीं था, उसके बावजूद भी घर वाले अपने औलाद के सामने झुक जाते हैं और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि शादी के बाद प्यार में दरार पैदा होने लगा और दरार की वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोनों के शादी के बाद जिंदगी काफी खुशहाल था, दोनों एक दूसरे से काफी खुश थे, किसी को भी किसी भी प्रकार से दोनों में किसी की शिकायत नहीं थी, काफी अपने प्रेम प्रसंग जताते थे, इधर उधर घूमने जाते थे और दोनों एक दूसरे में मस्त थे। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष पद पे कार्यरत थे और उनका एक दोस्त था जिसका नाम था मतलूब करी, वो भी कांग्रेस पार्टी में कार्यरत था। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी, घर का आना जाना दोनों को लगा रहता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो नैना सहनी सुशील शर्मा की जो पत्नी थी, वो मतलूब करीम के काफी नजदीक आ जाती है और उससे प्यार जताने लगती है, उससे बातें करने लगती है और इसका भनक सुशील शर्मा को लग जाता है। सुशील शर्मा अपनी पत्नी को समझाता है कि ये गलत है, ऐसी कर तुम मत करो, लेकिन पत्नी इनकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि मैं ये कर्म कर रही हूँ या ऐसी गलती मैं कर रही हूँ। वो बोलती है कि आपकी गलतफहमी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे आपके इज्जत पे आंच आए। वो लड़की बार बार अपने पति से इस बात को लेकर लड़ाई करती रही कि मैं किसी से भी नई बात कर रही हूँ, आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। एक रात्रि की बात है कि सुशील शर्मा अपने कमरे में सोया था और पत्नी को लगा कि ये सो गए हैं। रात्रि में वो फोन लगाती है मतलूब करीम के पास और वो फोन रिसीव करता है, दोनों में प्यार भरी बातें होने लगती है। सुशील शर्मा जग जाते हैं और फिर अपने पत्नी की पिटाई करते हैं और पिस्टल निकाल के उसके सीने में गोलियां डालने लगते हैं। पत्नी की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर वो उसके लाश को कई टुकड़े करते हैं और एक कट्टा यानी कि एक बोरा एक बैग में पैक करके उसे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और तंदूर की भट्टी में उसे जला देते हैं।
सुशील शर्मा को लगा कि अब अंत हो गया, मेरी सर की हेडक चली गई। लेकिन सुशील शर्मा को नहीं पता था कि कातिल कितने भी सातिराना तरीके से कत्ल को अंजाम दे, एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है और उसका अंजाम बेहद बुरा होता है। सुशील शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। कोर्ट में ये केस चलने लगता है। कुछ सालों के बाद कोर्ट फैसला सुनाता है सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा। दोनों को नहीं पता था, यानी कि सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहनी को भी नहीं पता था कि मैं जिससे प्यार कर रही हूँ वही एक दिन मेरे जान का दुश्मन बन जाएगा। और सुशील शर्मा को भी नहीं पता था जिसके लिए मैं अपने परिवार को इतना मनाया, इतना समझाया, फिर जाकर इससे शादी किया, उसके बाद वही मेरी दुश्मन बन जाएगी और उसी की वजह से मुझे उम्र कैद की सजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें तो लगा था फिल्मी पर्दे की प्यार की तरह कि इनका प्यार का दैन भी बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में दिल्ली आसमान का फर्क होता है। रियल लाइफ के प्यार को ऑडियंस को देख के, दर्शकों को देख के बनाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ का प्यार वास्तविक जिंदगी में काफी दर्दनाक और खतरनाक होता है और इसका अंजाम ऐसा ही होता है। यही है नैना सहनी और सुशील शर्मा की प्रेम कहानी। फिर मिलेंगे कल रात्रि 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।